हेलो गाइज, वेलकम बैक टू द ब्लॉग। आज है 24th of March थर्सडे और आज हम लोग यहाँ से निकलने के लिए तैयार हैं फॉर दिल्ली। तो हम लोग सबसे पहले यहाँ से हॉल्ट लेंगे बीच में, या तो बनारस या लखनऊ। और प्लान था अपना बनारस में रुक के जाने का, थोड़ा घूम के जाने का, लेकिन दिल्ली में कुछ अर्जेंट काम है तो हम लोग को रुकना जो है वो कैंसिल करना पड़ेगा और सीधा डायरेक्ट जाना पड़ेगा। हाँ, पिछले राउंड क्योंकि नीचे से 3-4 राउंड मार चुका, सामान सारा गाड़ी में सेट हो चुका है, बस हम लोग अभी यहाँ से निकलना है और जाना है। तो दिन की शुरुआत करते हैं, इस जर्नी की शुरुआत करते हैं और आपको फिर से नज़ारे दिखाते हैं बढ़िया बढ़िया। फिलहाल जो अपना ट्रेडिशन है वो सब फॉलो करते हैं, माता रानी के पास मत्था टेकते हैं, आशीर्वाद लेते हैं, मम्मी का आशीर्वाद लेते हैं और निकलते हैं दोबारा से अपने सफ़र पे। चलो करो जल्दी, जय माता दी। ये अलग लेवल पे परेशान चल रहा है, ये सोच रहा है कि लोग फिर कहीं चले जाएंगे, कल बनने के जाने से ये बेचारा परेशान है और हमारे जाने से और ज़्यादा हो जाएगा। बस अलग रहा है लेकिन ये हमारे साथ जाएगा, तुम चलोगे हमारे साथ, ठीक है? ठीक है, हम लोग निकल गए हैं और इसको देखो रो रही है, मम्मी भी रो रही थी और अब ये भी रो रही है, जबकि इसने दीदी को इतना ज्ञान दिया था कि रोना नहीं चाहिए कहीं जाने से पहले, और खुद इतना रो रही है देख लो, और कह रही थी कि मैं विदाई में नहीं रोई तो ऐसे क्या रोऊंगी वो करके, अब इसका भी रोना निकल चुका है। तो अब हम लोग यहाँ से निकल गए हैं, जा रहे ATM पैसे निकालेंगे और फिर यहाँ से सीधा हाईवे पकड़ेंगे और निकल जाएंगे। आज जहाँ तक चलेगा वहाँ तक चलेंगे, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना है हम लोग को, सेफ होकर जाना है, जैसे आते वैसे जाना है। तो जयकारा मास शेरा वाली दा बोल साचे दरबार की जय। चले अब जर्नी शुरू करते हैं। सो हम लोग निकल चुके हैं, यहाँ भी हम लोग बालीडी पहुंचे हैं, यहाँ से है मतलब बहुत है, बहुत अभी तो शुरुआत है रास्ते। तो बस सीन ये है कि हम लोग को निकलना था सुबह सुबह 5 बजे, लेकिन इसके चलते हम लोग निकले हैं 8:30, ठीक है, क्योंकि इसने अलार्म लगाया था उठने के लिए और उठी नहीं, इसको 6 बजे मैंने जबरदस्ती उठाया है। सच्चाई ये नहीं है, रात में प्लान हुआ था कि हम लोग 5 बजे निकलेंगे, अभी तो मैंने 4 बजे का अलार्म लगाया था, फिर भैया से बात हुई तो भैया तो बोले कि 10 बजे निकलना आराम से, फिर फाइनली हमने डिसाइड किया था हम 6:30 निकलेंगे और 6:20 पे इन्होंने मुझे उठाया था, 6:30 में उठी थी और 10 मिनट तो स्नूज चलता ही है और बस फिर रेडी हुए। 10 मिनट स्नूज नहीं था वो, 5 बजे से अलार्म बज रहा था, 1.5 घंटे पहले ही स्नूज करके बैठी थी। फिर अविनाश मैक्स को घुमा के लाए, बस उसके बाद सामान वामान गाड़ी में लोड किया, थोड़ा इमोशनल मूवमेंट हुआ और फिर हम घर आ गए, अब निकल गए। मतलब वापिस जाने में बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है क्योंकि यहाँ पे मजा आ रहा था, भैया मम्मी दीदी सब लोग साथ में थे तो बहुत अच्छा लग रहा था हम लोग को, और हम लोग चले गए, अब निकल गए हैं। मम्मी भी रो रही है क्योंकि वहाँ पे भी अब भैया है, भाभी आ जाएगी थोड़े दिन में, क्योंकि अभी हम लोग का खरवास चला था, अभी नहीं आ सकती तो थोड़े दिन में भाभी आ जाएगी, लेकिन जब तक भाभी नहीं तो भैया और मम्मी ऐसे। तो इट वाज नॉट अ ट्रिप कि हम इसको ट्रिप में कंसीडर नहीं कर सकते क्योंकि हमारा घर है, तो घर तो आना जाना लगा रहेगा, तो इसीलिए थोड़ा सा इमोशनल हो गए कि इतने दिन साथ में रहे और शादी के बाद पहली बार हम लोग इतना साथ में रहे हैं, मतलब फैमिली गया ना। हम लोग आ चुके हैं हाईवे, ये वाला हाईवे जो है ये GT करनाल रोड जो है दिल्ली में है, वही रोड है ये GT रोड, इधर कोलकाता चला जाता है और इधर चला जाता है दिल्ली। तो हम लोग उधर से आए थे और इधर से नीचे उतर के हम लोग इधर से ये वाला रोड लिए थे, तो अभी हम लोग उधर से आए हैं और ये वाला रोड हम लोग हाईवे पकड़ के सीधा चले जाएंगे। फिलहाल हम लोग चाय पीने के लिए रुके हैं यहाँ पर, हमारे आ चुके हैं। और कूलर देखो कितना बढ़िया है, मटके जैसा, इसका भी छोटी सी मटकी है वो, एक तरीके की जो दिवाली पे नहीं मैं ढूंढ रही थी पूजा के लिए, वही है ये छोटी सी। तो चलो चाय पीते हैं, जल्दी फटाफट निकलते हैं क्योंकि टाइम बहुत ज्यादा हो गया। नीचे देखो इसका राशन का सामान, ट्रिप में इसीलिए आती है। देख लो रास्ता इतना लंबा है कि इसने क्या खरीद लिया है, इसको क्या बोलते हैं पंजाबी में, छोलिया, पंजाबी में छोलिया बोलते हैं, हम लोग इसको झेंगड़ी बोलते हैं, झेंगड़ी 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 स्पेंगड़ी। तो इसमें जो मतलब वही है, सबको पता ही होगा कि चने हैं इसके अंदर। अब ये मैनेज नहीं कर पा रही है कि एक एक निकाल के खाऊं या इकट्ठे छील लूं फिर खाऊं, इसको समझ में नहीं आ रहा है, तो ये बैठ के मैनेज कर नहीं पा रही है। और पीछे इसको देख लो, ये भी बेचारा मांग रहा है तब से कि मिल जाए मुझे भी तो सही रहेगा, इसको भी नहीं मिल रहा है। तीनों के लिए छील लूं पहले इकट्ठे ग्लास में फिर दूंगी।
झारखंड बिहार बॉर्डर, आते हुए भी मैंने दिखाया था कि झारखंड बिहार बॉर्डर है, तो हम लोग ऑफिशियली जो है वो बिहार के अंदर एंटर कर गए हैं। तो झारखंड को अब बाय बाय कर दिया है हम लोगों ने, अब दोबारा जब आएंगे तो झारखंड घुमा जाएगा। अभी के लिए इतना ही था और अब हम लोग बिहार में आ गए हैं, बिहार क्रॉस करेंगे फिर यूपी में आ जाएंगे। ट्रक है, बाइक्स है और डाइवर्जन भी भाई साहब बहुत है, तो यहाँ से मामला थोड़ा सा सही होने वाला है क्योंकि डाइवर्जन यहाँ पे उतने नहीं है जितने पीछे थे। तो होपफुली आगे हम लोग थोड़ा सा स्पीड में टेक कर ले क्योंकि बनारस पहुँचने में ही अपने को शाम के 7-8 बज जाएंगे और लखनऊ का तो भाई साहब दिखा रहा है 11 बजे का टाइम, तो लखनऊ तो थोड़ा मुश्किल लग रहा है। एक छोटे से ब्रेक के लिए, गाड़ी यहाँ पे खड़ी है, यहाँ पे हमने छाया में गाड़ी लगाया है। बाकी आप देख लो धूप बहुत ज़्यादा है, तो मैक्स को पानी वानी पिला लेंगे, ग्लूकोज पिला लेंगे और ये सुसु कर लेगा और पॉटी करना है तो पॉटी भी कर लेगा क्योंकि ये बहुत देर तक लगातार बैठ नहीं सकता है, परेशान हो जाता है और उसके लिए हम लोग को रुकना पड़ता है बीच बीच में। वरना यहाँ पे रुकने का कोई सीन नहीं था, बस मैक्स के लिए रुके हैं, तो मैक्स अपना कार्यक्रम कर ले, उसको पानी वानी पिला के फिर चल पड़ेंगे। तो गर्मियों में ये लेके चलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ग्लूकोन डी, ताकि मतलब किसी को डिहाइड्रेशन ना हो और सब सही चले। इसलिए हम लोग मैक्स को भी थोड़ा पिला देंगे, मानते हैं कि मीठा है बट ही ऑल्सो नीड्स ग्लूकोज ताकि उसको भी डिहाइड्रेशन ना हो जाए, तो मैक्स के लिए बनेगा और हमारे लिए। मेरा ग्लूकोज यहाँ घूम रहा है, मस्त मजे कर रहा है। सो इन महाराज को देखो आगे बैठ के जा रहे हैं, ओहो इनको मजा आ रहा है, आगे पापा के साथ बैठ के ड्राइव पे कर रहे है। बैठा नहीं है, लटका हुआ है। कैसा लग रहा है? मजा तो इसको आ रहा है, आगे हवा आ रही है ना ठंडी ठंडी। टू थर्टी एंड वी हैव स्टॉप फॉर लंच, इसको देखो उड़ाई जा रही है चिकन, बहुत टेस्टी है भाई ये बिहार है, यहाँ पे जहाँ भी खा लो टेस्टी मिलेगा, वापस चलो वहाँ तो नहीं मिलने वाला। सो वी हैव ऑर्डर्ड चिकन मसाला रोटी, उसके साथ ये चटनी और भुजिया फ्री मिला है। मैक्स यहाँ पे बैठा है, इसको हमने खाना खिला दिया है। सो वी आर ऑल सेट। भैया आज के दो जगह लगाना है, पहले मुझे समझ ही नहीं आया, तुम मुझे समझ आया दो प्लेट लगाना। चेक पोस्ट ऑफ बिहार यूपी बॉर्डर और यहाँ से ऑलमोस्ट बनारस होगा 90 किलोमीटर के आसपास। स्पेशली वी हैव एंटर्ड यूपी नाउ एंड मतलब मैक्स को लेकर ट्रैवल करना इतना इजी नहीं है यार, लिटरली मतलब ये अभी इतनी गर्मी में भी शीशा खोलने के लिए जो परेशान कर रहा है ना मैं बता नहीं सकता, मतलब चैन से बैठ ही नहीं रहा है, बैठ भी रहा है तो पैर फोल्ड करके अजीब सा बैठ रहा है, कहीं इसका पैर ना खराब हो जाए, इसलिए हम लोग इसको फिर विंडो को ओपन करके देते हैं ताकि ये विंडो के पास जाके खड़ा हो जाए तो उसका क्या है कि पैर जो है वो सीधा हो जाएगा। वो नए नए तरीके लेके आता भाई विंडो खुलवाने के लिए, बहुत परेशान कर रहा है गर्मी के दिनों में। ठंड के टाइम पे तो एक टाइम के लिए चलो आप ठंड बर्दाश्त कर लोगे, ये भी बर्दाश्त कर लेगा, गर्मी जो है वो ना हमसे बर्दाश्त होती है ना इससे भी नहीं होती। विंडो खुलवाने के बाद 5 मिनट बाहर देखेगा, उसके बाद हाँफेगा और बैठ जाएगा। इसके चलते हमने अभी कोशिश करी कि हम गर्मी बर्दाश्त करते हैं, शीशा खोला भी फिर भी आके ये बीच में बैठ के, इसे खुद से भी बर्दाश्त नहीं होती है। अब चाय पीने का टाइम हो चुका है क्योंकि हल्की हल्की नींद आ रही है, मुझे तो आई गई थी ऑलमोस्ट, मैंने तो सो भी गई थी है, तो सो गए थे थोड़ा सा सोई थी बस। हाँ तो मैं यहाँ पे ट्रेलर है इसने पीछे भी हमें फंसाया था, कैश में डील कर रहा है यहाँ पे। हमारे साथ हर टोल पे ऐसी होते है, जहाँ पे हम लगाते ना वही लाइन रुक जाती है, अब देखो वो वाली लाइन फटफट चल रही है, ये रुकी हुई लाइन थी उसको छोड़ के हम इस लाइन में आए, वो लाइन फटाफट चल रही है। कैश में डील कर रहा है जिसके ऊपर ये रखा हुआ, ये बंदा बहुत खराब है यार, ये कैश में डील कर रहा है, 15-20 मिनट वेस्ट करा दी पिछले टोल पे हमारे, कम से कम 15 मिनट और कैश में भी पता नहीं क्या प्रॉब्लम है इसके पास।
वो पैसे मांग रहा है, ये दे नहीं रहा है करके 10-15 मिनट तक खड़ा। इसको थोड़ा सा घुमाने के लिए रुके हैं और यहाँ पे बहुत बड़ी फील्ड है तो हम इसको यहाँ पे भगा रहे हैं थोड़ा सा, ताकि इसके भी पैर वैर थोड़ा स्ट्रेचिंग हो जाए। बॉल लेके भागा है, देखो टॉयलेट भी कैसे करता है। कहाँ तक चली गई बॉल? So, ये हमारा है इवनिंग ब्रेकफास्ट जो हम घर से लेके आए थे। मम्मी ने बनाया है मटरी, ये मम्मी ने बनाई है, और खुरमा और मिल्क केक। तो अब हम लोग ये इवनिंग स्नैक्स में इसको खा रहे हैं, चाय पियेंगे थोड़ा आगे रुक के। इवनिंग ब्रेकफास्ट ना? हाँ, इवनिंग ब्रेकफास्ट है ये हमारा। तो हम इसको एंजॉय करते करते घर तक पहुंच जाएंगे। मम्मी ने बहुत सब बना के दिया, गुजिया भी दिए। सो इट्स 10:30 इन द नाइट और अभी हम लोग रूम ले चुके हैं, मतलब अभी नहीं, रूम हमने ले लिया था अराउंड, आप लगा लो कि 7:30 के आसपास हमने रूम ले लिया था। और अभी हम लोग आराम से, मतलब रूम में आने के बाद सामान वगैरह रखने के बाद जो है नींद आ गई थी, मतलब अच्छी खासी नींद आ गई थी, और मतलब जस्ट रेस्ट कर रहे थे और उसी में नींद आ गई। सोने का कुछ प्लान नहीं था बट नींद आ गई, तो अब क्या कर सकते हैं, नींद आ गई, मुझे भी आ गई, इसको भी आ गई। तो अभी जाके आँख खुली, मतलब आँख खुली 9 बजे, फिर हमने खाना ऑर्डर कर दिया, फिर नींद आ गई। तो अब जो है खाना आया है तो वापस से नींद खुली है, अब खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद वीडियो एडिट करेंगे, फिर सोएंगे। तो यही प्लान है फिलहाल। हमने खाना ऑर्डर किया है, इसमें है एग करी, वहाँ पे दाल, और उसके साथ हमने रोटी ऑर्डर किया है, और इसको भी चाहिए, इसको तो। मैं इसका जो है बर्तन लेके आ गया, लेकिन टिफ़िन लाना भूल गया, अभी जाऊँगा दोबारा, तो टिफ़िन वगैरह लेके आऊँगा। तो इस वाले जो ब्लॉग का है उसको यहीं पे ख़त्म करते हैं, कल एक न्यू ब्लॉग शुरू करेंगे। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, नमस्कार, हैव फन, स्टे सेफ, बाय बाय।